धनु राशि वाले जातक, पाप का घड़ा भर चुका है। 30 मई से 5 जून तक अगले 7 दिनों के अंदर कलेजा कांप उठेगा, सुनकर डरना मत। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 30 मई से 5 जून इस सप्ताह धनु राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव लेकर आएगा, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये सप्ताह 7 दिन कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों इस सप्ताह की शुरुआत जो होगी कामकाज में कुछ एक अड़चन लिए और परिवार में अनबन के साथ होगी, यानी कि काम में समस्याएं, दिक्कतें होंगी और परिवार में अनबन कहा सुनी होती रहेगी। इस सप्ताह की शुरुआत ऐसी होगी, इस दौरान आपको किसी बात को तूल देने के बजाय उससे बचना चाहिए और कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान भी रहना चाहिए। इस सप्ताह यह समय कामकाजी महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा चुनौती भरा रहने वाला है। जो महिलाएं काम करती हैं उनको ज़्यादा परेशानी झेलने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। उन्हें घर और ऑफिस के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी। छात्रों का मन उचट सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह का जो उत्तरार्ध होगा वो बेहतर साबित होगा आपके लिए। इष्ट मित्र शुभचिंतक की मदद से अटके काम आपके पूरे होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। इस दौरान व्यवसाय के सिलसिले में जो है की गई यात्रा सुखद एवं कारोबार को आगे बढ़ाने वाली साबित होगी। यह समय नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुकूल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। इस दौरान सुख सुविधा से जुड़ी वस्तुओं का क्रय मतलब खरीद संभव है, आप खरीद सकते हैं। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ आपकी जो है आपसे विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। घर परिवार से जुड़े फैसले को लेते समय पिता का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके पिता जो हैं आपकी मदद करेंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। जातकों को इस सप्ताह अपने तन और मन दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको सेहत संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। इस दौरान आप मौसमी और पुरानी बीमारियों को लेकर भी बेहद सतर्क रहें तो ज़्यादा बेहतर है। यदि भूमि भवन संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उसे बजाय कोर्ट कचहरी ले जाने से बाहर ही निपटाने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी जाइएगा तो मुद्दा बढ़ सकता है, बाहर ही निपटा लेना ऐसे मुद्दे को बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, उसको लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे आप। स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता दिखाई दे रही है, यानी कि कमाई कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे इस सप्ताह। इसलिए पैसे बचा कर रखने हैं आपको, कोशिश करिए कि कम से कम खर्चा करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष रूप से ध्यान दें और किसी के बहकावे में आकर कोई भी गलत कदम उठाने से बचें। इस दौरान कार्यक्षेत्र में सीनियर अथवा सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है। निजी स्थिति को लेकर पूरी तरह ईमानदार रहेंगे आप। विशेष रूप से प्रेम संबंध में अपने लव पार्टनर के साथ छल या फिर उसकी भावनाओं की अनदेखी करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सफलता के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों
जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। सप्ताह की शुरुआत में आप पर कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों को जरा ज़्यादा ही बोझ रहेगा। व्यवसाय के सिलसिले से लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपने सामान की विशेष सुरक्षा करें। इस दौरान मकान या सामान आदि की मरम्मत में जेब से ज़्यादा धन खर्च होने पर मन खिन्न रहेगा। सत्ता सरकार से संबंधित अटका काम आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में इष्ट मित्रों अथवा किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप जो है इसे पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। इस समय आपके लिए थोड़ा राहत भरा रहेगा। दोस्तों, किसी महत्वपूर्ण काम के में जो है प्रगति अथवा संपूर्ण हो जाने पर आपको प्रसन्नता और संतोष का अनुभव होगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके साथ हर पल बना रहेगा, आपका साथ देगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। खान पान और अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपको पेट संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जातकों के लिए यदि सेहत का पक्ष थोड़ा छोड़ दिया जाए, अगर सेहत की बात नहीं की जाए, तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको बहुत परेशान करने वाला है। सेहत बढ़िया रहेगा, सेहत बढ़िया है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने में तमाम अवसर मिलेंगे, परंतु आप उसे हाथ से गंवा देंगे। कोशिश करें कि जितना हो सके उस अवसर को दबोच के रखें। समय अभी ठीक नहीं है, तो आने वाला समय बेहतर है। आगे आकर कुछ दिन रुक जाइए, अगले सप्ताह से वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। जो लोग लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे, उन्हें सप्ताह अंत तक नौकरी भी मिल सकती है। यदि आप अपने कारोबार के विस्तार के लिए सोच रहे थे, तो आपकी यह योजना सप्ताह के अंत तक भली भांति पूरी होंगी। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होंगी सप्ताह के, परंतु सप्ताह के अंत तक सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से सत्ता सरकार से संबंधित योजनाओं का लाभ आप उठा पाएंगे। दोस्तों, यह सप्ताह मार्केटिंग और कमीशन पर काम करने वालों के लिए शुभ है। इनके लिए अच्छा है, जो मार्केटिंग करते हैं, कमीशन पर काम करते हैं, उनके लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा। इन सभी अनुकूल परिस्थितियों के बीच आपको अपनी सेहत को लेकर भी मतलब थोड़ा सावधान रहना। ठंडी चीज़ें मत खाएं, ज़्यादा ठंडी चीज़ें मत खाएं, गले को ख़राब कर सकती है। बाकी लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य बढ़िया है। जीवन साथी के साथ कहीं आप घूमने का प्लान इसी सप्ताह बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने काम के लिए सीनियर से प्रशंसा मिलेगी। जो काम अगर आप अच्छे ढंग से करेंगे, अच्छे मन से करेंगे, तो आपके सीनियर्स हैं जो आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर मन नहीं लगा तो काम गड़बड़ हो सकता है, डांट भी सुननी पड़ सकती है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें मनचाहा पद थोड़ी मुश्किल से मिलेगा, परंतु जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, तो नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, नेतृत्व के गुणों का विकास होगा। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के कारण आपका जो है उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। बाजार में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल आने पर आपका राहत का सांस लेंगे। सप्ताह के अंत तक ये पैसे आपको मिल जाएंगे। कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर भी आपको मिलेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी भूमि या भवन के खरीद बिक्री की योजना बना रहे थे, तो इस सप्ताह रुक जाइए। इस सप्ताह अगर आपने दिन निकाला हुआ है, तो कोशिश करें कि इस सप्ताह उस काम को टाल दें। घर में पूजा पाठ करा सकते हैं, मांगलिक काम हो सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक गतिविधियों में बीतेगा। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे थे, तो आपकी बात बन सकती है। वहीं पहले से प्रेम संबंध में चल रहे लोगों को परिवार की तरफ से विवाद के लिए हरी झंडी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन भी जो है आपका सुखमय, प्रतिदिन जो है सुखमय बना रहेगा। प्रतिदिन आपको उगते हुए सूर्य देवता जो है भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें, मतलब कोशिश करिए कि रोज प्रतिदिन सुबह उठ के नहाने के बाद जो है तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को आपको जल देना है और मंत्र का जाप करना है। ओम ग्रीं सूर्याय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करना है। जी हाँ, एक माला जाप मतलब माला रुद्राक्ष की लीजिए, उसमें 108 जो होते हैं रुद्राक्ष लगे होते हैं, उससे आपको पूरा 108 बार इस मंत्र को जपना है, यानी कि एक माला जाप करना है।
अपनी सेहत और कामकाज दोनों को लेकर बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। सेहत बढ़िया रहेगा पर कामकाज को लेकर थोड़ा ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। नौकरी पेशा व्यक्ति हो या किसी, या फिर आपका अपना खुद का व्यवसाय हो, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचे। आंख मूंद कर भरोसा करिएगा तो प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, परेशानी में फंस जाइएगा, अन्यथा आपको धन और मान सम्मान दोनों की दृष्टि से लंबी चोट लगेगी, लंबी हानि होगी, यानी कि धन की हानि होगी, साथ ही साथ इज्जत भी जाएगा। कारोबार में लेन देन करते समय खूब सावधान रहें और किसी भी कागज को भली भांति पढ़ने के बाद ही सोच समझ कर उस पर साइन करें। विदेश में जुड़े कारोबार करने वालों को सोच समझ कर सही दिशा में अपने काम को आगे बढ़ाकर ले जाना चाहिए, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह आपको किसी के बहकावे में आने से बचना है, इससे भी बचिए। यह सलाह न सिर्फ आपके कामकाज के लिए बल्कि आपके आपसी संबंधों के लिए भी लागू होती है। आपसी संबंधों में भी थोड़ा सा सावधान रहे। निजी रिश्तों से जुड़े विवाद या गलतफहमी को दूर करते समय जो ऐसे लोगों को शामिल ना करें जो बात को बचाने के बजाय बिगाड़ने का कारण बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएं और कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। छात्रों का मन पढ़ाई से उछट सकता है, इसलिए छात्रों को कोशिश करना चाहिए कि पढ़ाई में मन लगे। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, मन थोड़ा व्यथित रह सकता है, मन परेशान रह सकता है। इस सप्ताह जो है आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। जिन लोगों को लंबे समय से मनचाहा प्रमोशन या मनचाही जगह पर ट्रांसफर का इंतजार था, उनकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपको सत्ता और सरकार से सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आप भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध में ज़्यादा शुभता और सफलता देने वाला रहेगा। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति और वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता के तैयारी में जुटे लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है। संतान पक्ष जो है किसी बड़ी उपलब्धि में घर में हर्ष का माहौल रहेगा। जो लोग लंबे समय से अपने प्रेम संबंधों को जो है विवाह के में तब्दील करना चाहते थे, उनकी यह कामना पूरी हो सकती है। विवाह के बंधन में वो लोग बच सकते हैं। मैंने एक उपाय आपको बताया है, भगवान सूर्य को जल देना है और मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ प्रतिदिन देवी दुर्गा जी को है लाल पुष्प चढ़ाकर उनकी चालीसा का पाठ करिए। शुक्रवार के दिन कन्याओं को मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद दीजिए। आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो दोस्तों यही था आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। कल से शुरुआत हो रही है सप्ताह की, क्या परिवर्तन बदलाव देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।